जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका पर चढ़ाई करते समय भगवान श्री राम के कहने पर वानरों और भालुओं ने राम सेतु का निर्माण किया था, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन जब श्री राम विभीषण से मिलने दोबारा लंका गए, तब उन्होंने राम सेतु का एक हिस्सा स्वयं ही तोड़ दिया था, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण के सृष्टिखंड में मिलता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री राम जी ने राम सेतु का वो हिस्सा क्यों तोड़ा था। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान श्री राम को विभीषण का विचार आया। उन्होंने सोचा कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण किस तरह लंका का शासन कर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। जब श्री राम ये सोच रहे थे, उसी समय वहाँ भरत भी आ गए। भरत के पूछने पर श्री राम उन्हें पूरी बात बताई। ऐसा विचार मन में आने पर श्री राम लंका जाने की सोचते हैं। भरत भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अयोध्या की रक्षा का भार लक्ष्मण जी को सौंप कर श्री राम जी व भरत जी पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका जाते हैं। जब श्री राम व भरत पुष्पक विमान से लंका जा रहे होते हैं, रास्ते में किष्किंधा नगरी आती है। श्री राम व भरत थोड़ी देर वहाँ ठहरते हैं और सुग्रीव से अन्य वानरों से भी मिलते हैं। जब सुग्रीव को पता चलता है कि श्री राम व भरत विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ जाते हैं। रास्ते में श्री राम भरत को वह पुल दिखाते हैं जो वानरों व भालुओं ने समुद्र पर बनाया था। जब विभीषण को पता चलता है कि श्री राम भरत व सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वे पूरी नगर को सजाने लगते हैं। विभीषण श्री राम भरत व सुग्रीव से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री राम 3 दिन तक लंका में ठहरते हैं और विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। जब श्री राम पुनः अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं, तो विभीषण उनसे कहता है कि श्री राम, आपने जैसा मुझसे कहा है ठीक उसी तरह से धर्म पूर्वक राज्य करूँगा, लेकिन इस सेतु के मार्ग से जब मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे, उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से उस सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया। इस तरह स्वयं श्री राम ने ही राम सेतु तोड़ा था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर श्री राम जी ने राम सेतु को क्यों तोड़ा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।